Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all my dear students. Let us start lesson number 10. Rasulullah sallallahu wa teaches his family and friends and 11. Lesson number 11. Rasulullah sallallahu alaihi wa the people. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu wa first talked to his family and friends. Aap sallallahu wa sallam ne अपनी फैमिली और फ्रेंड से पहले सबसे पहले इस्लाम की दावत दी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि आपको इस्लाम की दावत किस तरह देना है जब अल अमीन ने बताया अब उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने किस तरह इस्लाम की दावत फैलाई हमको देखना है और जब भी मैं रसूल सल्लम का नाम लूँ तो सब आप लोग पढ़ेंगे सल सल्ला वसम छोटा सा दरुद पढ़ना है आप का नाम सुनते हैं हमको क्या करना है आप पर दरुद पढ़ना है अगर हम दरुद में पढ़ेंगे तो को गुना होगा तो बड़ा दरुद तक नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोलना कंपल्सरी है ठीक है चलिए ही टोल देम अल्लाह सब हैज मेड मी हिज प्रॉफिट एंड मैसेंजर एंड आई विल टीच यू द रिलीजन ऑफ इस्लाम आई विल टीच यू अल्लाह बुक द कुरान कुरान क्या है सालकताबार बाफ़ी हदलम ये अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक नहीं और ये हदायत है मतख़िन के लिए तो यहाँ पे ये बात अल्लाह के रसुल्लम अपनी फ़ैमिली और फ़्रेंड्स में पहुँचाते गए और ये बता दिए कि आप अल्लाह के रसूल बनाए गए हैं और आपको इस्लाम की दावत देना है कुरान का मैसेज पहुंचाना है जैसे जैसे ज़ब्रमीन ज़ब्राम जो फरिश्ते हैं वही लाते थे और आप लोगों तक पहुंचाते थे और अल्लाह के फरमाए कि आई विल टीच यू वाट इज़ राइट एंड वाट इज़ रॉन्ग सही और ग़लत के दरमियान फ़र्क़ समझाएंगे अल्लाह के सबसे पहले जो इस्लाम को कबूल किया हम देखेंगे कौन कौन है हज़रत खदीज़ा रजील्ल तौ से जब आपको पता चला कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाए थे वो कितने साल में बनाए फोर्टी ईयर्स में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो फोर्टी ईयर्स की हुई तब आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो आपके बीबी खदीजा और अल्लाह तआला कौन है आपकी वाइफ हैं आपने कहा कि आप तो एक अच्छे इंसान हैं यू आर ऑनेस्ट पर्सन एंड गुड हस्बैंड तो आपने कहा कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ <coughs> तो बीबी खदीजा रज़ील हम हमारे लिए क्या है आप सल्लम के जो वाइफ्स हैं वो उमोमिन यानी मोमिन की माए हैं मदर्स हैं हमारे लिए खतीजा रजील आप सल्लम की वाइफ है तो हम उनको उम्मुल मोमिन भी कह सकते हैं यानी मोमिन की माए हैं जितनी भी आपके वाइफ्स हैं उसके बाद इस कज़न आप के जो कज़न थे अली हज़रतली रज़ील उन्होंने भी आप पर इस्लाम कबूल किया वो टेन इयर्स के थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने कहा कि आप तो अलमीन है ट्रस्टेड पर्सन है ट्रस्टेड पर्सन है आप तो जिस पर यकीन किया जा सकता है तो मैं भी आप पर ईमान लाता हूँ ला ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और आपके ग़ुलाम थे जैद बिन हारिस तो उन्होंने भी आप यानी पहले जो स्टार्टिंग में जो इस्लाम कबूल किए ये लोग हैं कि आपने भी जब आपको पता चला तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और आपके दोस्त जो अबू बकर रज़ी तआला है तब आपको पता चला तो आपने भी कहा कि हम मैंने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है तो मैं भी आपको एक अच्छा दोस्त मानता हूँ एक अच्छे दोस्त हैं आप तो आप पर ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं तो ये चार लोग हैं जो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट इस्लाम में दाखिल हुए उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल होते गए अदर हु न्यू मोहम्मद एंड सेट दे बिलीव इन हिम वो सहाबा हैं यानी जो जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप पर ईमान लाए देखना और ईमान लाना आपको मानना और मुसलमान हो गए तो वो साहबा है यानी जो कुफ़ार थे उन्होंने भी अल्लाह के रसूल सलम को देखा था तो कुफ़ार साहबा नहीं हो सकते और मोहम्मद जो साहबा है वो क्या है आपके कम्पेनियन से तो सहाबा के साथ हम रज़ी अल्लाह तू कहते हैं और उसका मतलब ये है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए फेयर अल्लाह देर आइस यानी जब उनसे कहा गया कि अल्लाह से डरो तो उनकी आंखों में आंसू भर गए थे यानी वो एज इज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा यानी उनको बताते थे इस्लाम को कैसे हमको अमल करना है कैसे दाखिल होना है इस्लाम में हो हमको कौन सी कौन सी चीज़ों से बच जाना है नहीं करना है रुक जाना है तो वो लोग रुक जाते थे कौन सी चीज़ करना है तो वो लोग करते थे जो अल्लाह के रसूल आजम करते थे वो लोग भी करते थे और जब हम कोई साहबी का नाम लिखते हैं तो हमको ब्रैकेट में आ लिखना है रज़ी अल्लाह तु यानी उनके नाम के बाद Now we'll start lesson number नाव विल स्टार्ट लेसन नंबर इलेवन रसोल्म दीपल जी इब्राहील सलम फिर से वापस आए और उन्होंने कहा कि Now you have to teach the Islam to everyone in Makkah. अब पूरे मक्के में जितने भी मुसलमान यानि जितने भी लोग हैं आपको ऐलान यानी announcement करके पूरे लोगों में इस्लाम की दावत देना है तब अल्लाह के रसूल रसम क्या किए सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ गए और सबको आवाज़ लगाई पूरे लोगों को बुलाया गया वहाँ पे यानि पुराने ज़माने में जब माइक्स नहीं थे बुलाने का कुछ सिस्टम नहीं था लोगों को जमा करने के लिए तो पहाड़ी पे चढ़कर सबको आवाज़ दी गई और उनको बुलाया गया और कहा गया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है दुश्मन है डेंजर है तो क्या तुम सब यकीन करोगे तो तमाम लोगों ने मिलकर आप सोसम से कहा कि आ, ए मोहम्मद सल्म हम आप पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपको हमने सादिक और अलामीन पाया है हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है तो फिर अल्लाह के रसूल साम बताते हैं कि जो डेंजर है वो तुम्हारे बैड डेट्स हैं मैच स्टॉप गिंग देम और तुम उसको करना बंद कर दो या नहीं तो अल्लाह ताला तुमको पनिश करेंगे आपने ये मैसेज दिया ला, ला मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का मैं नबी बनाया गया हूँ और तुम्हारी तरफ़ भेजा गया हूँ और तुम सब मुझ पर ईमान ले आओ और अल्लाह की फरमाबरदारी करो तब लोगों को बहुत ग़ुस्सा आ गया और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा कि तुम अपने जो झूठे खुदाओं की इबादत करते हो उसको छोड़ दो और जो बुराई करते हो उसको भी छोड़ दो और एक दिन तुम सबको मरना है और तुम सबको अल्लाह के आगे जवाब देना है जो कुछ भी तुम यहाँ पे करते हो अल्लाह के हुजूर खड़े होना है तब लोग जो थे वो आप को अब सुनना नहीं चाहते थे यानी ये बात उनके नुकसान की थी क्योंकि वो लोग तो कई खुदाओं की इबादत करते थे और जब उनसे कहा गया कि सबसे बुरी बात उनको ये लगी कि एक अल्लाह की इबादत करनी एक के खुदा की इबादत करना है सब को छोड़ देना जो वो उनके बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे थे तो वो लोग आप सब की बात सुना नहीं चाहते थे और क्या करने लगे वो लोग आपको नापसंद करने लगे आप जो कह रहे थे वो बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और वहाँ से वापस चले गए और अल्लाह के केसलम से कहने यानी आपसे नाराज़ हो गए और कहने लगे अल्लाह हैज मेड मी आप ने क्या कहा उनसे कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया है और आप अल्लाह के आखिरी नबी और उसके मैसेंजर हैं ला मोहम्मद रसोल्ला का मैसेज उन तक पहुंचाया लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और वो लोग आपका इनकार कर वहाँ से चले गए अल्लाह हैज टोल्ड मी टू टीच यू हि रिलीजन इस्लाम सी ओ मोहम्मद ही इज़ अल्लाह दुर खलास में ला तला अल्लाह वाहद कह रहे हैं कि ए मोहम्मद कह दो कि अल्लाह एक है एंड ही हैज़ टोल्ड मी टू टीच यू हिज़ बुक दुरान रिमेंबर देर इज़ नो गॉट एक्सेप्ट अल्लाह फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल साहब ने अल्लाह के बारे में उनको बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कोई खुदा है ही नहीं कोई पालने वाला नहीं है सिर्फ़ अल्लाह ही है जो सारी कायनत को चला रहा है जिसने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह के और हम सब को अल्लाह के पास वापस जाना है और ख़्यामत के बारे में आपने बताया क़ैमत इतनी होलना वाली होंगी और उस दिन सब लोग परेशान होंगे और जो नेक अमल करेंगे उनके लिए खुशखबरी होंगी और जो बुरे काम करेंगे जो अल्लाह को नहीं मानेंगे अल्लाह के इनकार करेंगे तो उनके लिए पनिशमेंट की होंगी उनके बुरे आमाल की वजह से तो द मक्का जि नाट वॉन्ट तो टू लसन टो मोहम्मद सल्लम आप को सुना नहीं चाह रहे थे वो लोग जो भी आप कह रहे थे और वो वो लोग तो इतनी ज़्यादा अपने खुदाओं से मोहब्बत रखते थे और उनके जो बुरे तरीके थे वो लोग उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे दे टोल्ड टो रसूल सल्म यू से देर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह दैट इज़ अ क्रेज़ी आइडिया क्या बोले वो लोग ये तो बहुत ही क्रेज़ी आइडिया है तुम्हारा क्या एक ही चल्ला है अल्लाह के सिवा कोई मतलब एक है खुदा है क्योंकि वो लोग तो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी आइडल्स को खुदा मानते थे अब वो इतने सारे खुदाओं को रिजेक्ट करके सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करना उनके लिए बहुत मुश्किल था तो वो लोग इनकार करने लगे और दूसरी बात उनको जो मुश्किल लगी वो ये लगी यानी इम्पॉसिबल बात थी उनके लिए सोचना कि एक इंसान मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है तो टोटली वो लोग लो आखिरत को रिजेक्ट करते और वो लोग बहुत गु़स्सा हो गए वसल्लम पर और फिर अपने अपने घर चले गए कुछ मुट्ठी भर मुसलमान वहाँ के लोग कुछ लोग सिर्फ़ मोहम्मद को माने आपकी बात सुने एंड और मुसलमान हुए जिसको अल्लाह ताला हिदायत देता है सही रास्ता बताता है वही लोग मुसलमान होते हैं वही लोग सीधे रास्ते पर होते हैं तो हम सबको दुआ करना है कि अल्लाह हमको हमेशा ईमान की दौलत दे ईमान पे क़ायम रखें और जब हमारा आखिरी वक्त हो जब भी अल्लाह ताला हमारी ज़बान पे कलम तैयबा जारी रखें और हमेशा अल्लाह ताला हमको ईमान की हालत में रखें हमारा खात्मा भी ईमान पर हो आमीन या जज़ाक अल्लाह ख़ैर